नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका और मैं फिलहाल मौजूद हूं जंगलों के बीच में। ये रास्ता जाता है हेलगढ़ा के लिए और हेलगढ़ा बाकी पंचायत में पड़ता है। रास्ते भी काफी खराब है, यहाँ पे पक्की सड़कें नहीं है, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। इस क्षेत्र में भटक रहा एक जंगली हाथी, जिससे परेशान हो चुके हैं ग्रामीण। घरों को वो तोड़ रहा है, राशन को खा रहा है, जिससे तबाही का मंजर इन क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। आखिर हाथी आपके घरों तक क्यों पहुंच रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर आप देखेंगे तो झारखंड का मुख्यतः अगर हाथियों का घर जिसे कहा जाता था सांडा जंगल, मैं बार बार वही दोहरा रहा हूं कि सांडा जंगल से लगातार हाथी इधर उधर गए क्यों। वन विभाग की अगर इतनी ही तत्परता, अगर इतनी सतर्कता, अगर वो जागरूक होते, वन विभाग अगर सही रूप से काम किया होता तो आज गांव के लोगों को इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती, गांव के लोगों को जान गंवानी नहीं पड़ती। कितने लोगों की जान जा चुकी है पूरे झारखंड में। आप लगातार कई खबरें सुन रहे होंगे जिसमें गांवों में हाथियों के द्वारा घर तोड़ा जा रहा है, आदमी को कुचलकर मारा जा रहा है, लेकिन आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या नाम है? सुरेन। कौन गाँव है? हेलगढ़ा। हेलगढ़ा। हाँ। ये हाथी के द्वारा इस तरह से घर को गिराया गया? हाँ। घर में कौन कौन थे लगभग, और कब हुआ थे घटना? 5 बजे सुबह के 5 बजे घटना हुआ। अच्छा, उस वक्त आप लोग घर में थे? घर में थे, हमारा पति तो सोया था और हम इधर आग जलाने के लिए आते थे। अच्छा, तो आग जलाने के लिए आ रहे थे उसी समय गिराया? हाँ, वहाँ पर हम खड़ा हुए थे तो हाटो हाटो बोल के हम बोले, वहाँ पर ऐसा किया था। वो सूंड आपको दिखाई दिया था? हाँ। अच्छा, मतलब हाथी का सूंड छत को उजाड़ रहा था ना? उसी टाइम हम हाटो हाटो बोल के हम बोले। ओहो, और यहाँ पे मतलब अनाज था, इसी को खाने के लिए आ रहा था? हाँ, ये धान है, ये गेहूँ है और नीचे चावल है। वन विभाग तो खामोश है, इन गांवों तक पहुँचती नहीं है, लेकिन ये सवाल अब भी जारी है कि इसका समाधान कैसे होगा, क्योंकि हाथियों को उनके घरों से भगा दिया गया है, हाथियों का जो जंगल था उसे उजाड़ा गया है, लकड़ियों को काटी गई है, तस्करी की गई है। लेकिन प्रशासन आज हाथियों को किस तरीके से एक गांव से दूसरे गांव भगाएं उसके लिए पटाखे बांट रहे हैं, कितनी शर्मनाक बात है। प्रशिक्षण दे रहे हैं कि हाथियों कैसे भगाएं, लेकिन जंगलों को कैसे बचाएं, ये भी तो बड़ा प्रश्न है। अगर जंगल बचे होते, हाथियों का घर को नहीं उजाड़ा होता तो आज हाथी दर बदर ठोकरे नहीं खाए होते, गांव में घुस घुस कर, गाँव के घरों में घुस कर किसी के अनाज को नुकसान नहीं पहुंचाया होता, और ना ही हमें इन जंगलों में आकर इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती। आज गांव के लोग काफी डर के माहौल में जी रहे हैं, डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि कभी भी हाथियों के द्वारा उन पर आक्रमण हो सकता है। एक लौता इस क्षेत्र में हाथी भटक रहा है, लगातार हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, घर घर जाकर उनकी समस्याओं को दिखा रहे हैं, क्या क्या चुनौतियों को सामना करना पड़ रहा है, किन किन अभावों में वो ग्रामीण जी रहे हैं, ना सरकारी सुविधाएं इन गाँव तक पहुंच पाती है सही रूप से, सड़कें देखेंगे तो यहाँ पर ना सही रूप से चार चक्के गाड़ी चल पाएंगे। किसी तरीके से इन गाँव में हम पहुंच पाए हैं, लेकिन वन विभाग अभी भी सोया हुआ है। टंगरी टोली में जो घटना हुई थी वहां पर भी वन विभाग नहीं आया। कई क्षेत्रों में रिपोर्टिंग करने के बाद वन विभाग की आंखें खुलेगी क्या? क्या आदमी की जान जाने के बाद वन विभाग की आंखें खुलेगी क्या? क्या लोग यहां पे आंदोलन करेंगे तब वन विभाग की आंखें खुलेगी क्या? इस तरीके के से रवैया वन विभाग द्वारा जो देखने को मिल रही है काफी ज्यादा निंदनीय है। और मैं कहना चाहूंगा खासतौर पर, आप हाथियों को भगाने के लिए टोज बांटते हैं, आप हाथियों को भगाने के लिए गांव में आकर प्रशिक्षण देते हैं, उसके बदले आप जंगलों को बचाएं, और जंगलों को कैसे बचाएं, तो जो तस्करी हो रही है, जो मोटे मोटे लकड़ियों को जो काटे जा रहे हैं जंगलों से, उसको पहले आप रोकें और हाथियों को पुनः उनके घरों तक पहुंचाने के लिए योजना बनाएं, तब जाके इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी और इस तरीके के गाँव में हाथियों का आतंक जारी नहीं रहेगा। क्योंकि झारखंड के हर क्षेत्र में हाथियों के द्वारा कई लोगों की जाने जा चुकी है। आज इस गाँव में एक महिला मरते मरते बची है, अगर उसको कुछ हो जाता तो उसको मुआवजा राशि दे देते 1 लाख, तो क्या वो जान वापस आ जाता? आंगनबाड़ी से क्या? तो यहाँ बताया जा रहा है घटना कितने बजे की है? 5 बजे सुबह। पहले हाथियों का मतलब कोई आया है इधर? हाथी आते रहता है पहले से ही। हाँ, लेकिन इस तरह का घटना नहीं हुआ था। हम लोग को टॉर्च चाहिए और हाथी भगाने के लिए कुछ और साधन भी चाहिए। जैसे अगर रात में बताया, जैसे कि बगल में ही हाथी होगा, तो फिर रात में अगर आ जाता है तो आप लोग के गांव में क्या व्यवस्था की गई है हाथी भगाने के लिए? हाथी भगाने के लिए कुछ मसाल सबका व्यवस्था किया गया है अपने से किया गया है। लेकिन ऐसा ट्रोच तो है या नहीं है फिर? नहीं, बड़ा वाला नहीं है। नहीं है। बड़ा वाला ट्रोच नहीं है? नहीं है। आपका घर में ट्रोच है? बड़ा वाला नहीं है, छोटा है। छोटा वाला ट्रोच। तो अभी काफी डर भी है क्योंकि हाथी आ सकता है, लाइट भी थोड़ा थोड़ा जलता है। अच्छा,
तो काफी ज्यादा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। दिक्कत हो रहा है, ये सवाल सबसे है और वन विभाग से सबसे बड़ा सवाल है और सरकार और प्रशासन से भी है कि आप हाथियों के लिए पुनः पुनर्वास घर को उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजनाएं चला रहे हैं। बड़ा प्रश्न है, सिर्फ पैसे देने और मुआवजे देने से काम नहीं चलेगा और ना ही आप आके यहाँ पे ट्रोज बांटने से काम नहीं चलेगा। हाथियों को उनके घर तक पहुंचाएं और जंगलों को काटने से बचाएं और इसका एक समाधान जरूर निकालें, नहीं तो इसी तरीके से आने वाले समय में हाथियों का झुंड गांवों को तबाह कर देगा। हाथियों का झुंड गांवों को तबाह करके सभी लोगों को भी मार देगा, क्योंकि हाथियों को देखेंगे तो सब जगह से दौड़ाया जा रहा है, हाथी बहुत परेशान है। आप अगर देखेंगे तो इंसानियत तो आपके अंदर मर चुकी है, वन विभाग के लोगों पे आपके अंदर मर चुकी है, क्योंकि आप किसी का घर को उजाड़ रहे हैं। अगर नहीं उजाड़ रहे हैं तो बचाइए जंगलों को, अभी भी तस्करी हो रही है, लकड़ियों की कटाई हो रही है जंगलों से, आप लोग क्यों नहीं उसे रोकते हैं। एक आम आदमी लकड़ी दो चार काट देगा उसको अंदर ठूस देंगे, लेकिन लगातार लकड़ियों की तस्करी हो रही है, लगातार जंगलों को काट काट के खत्म किया जा रहा है, उसको कौन रोकेगा।